अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जो इस वक्त राजस्थान में है। यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री चीन पर चुप्पी तोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। हमारे साथ पवन खेड़ा हैं। सर, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए आपको भारत जोड़ो कहना पड़ रहा है? दो साल से चुप हैं, भारत की सीमाएं खतरे में आती चली जा रही हैं पिछले दो साल से, और दो साल पहले भी जब मुंह खोला तो क्लीन चिट देने के लिए खोला चीन को। अपने ही 20 सैनिकों की शहादत को नकार दिया, उस शहादत का अपमान किया। वोट लेने के वक्त आप जिस सेना के पीछे छुपते हो, उस वीर सेना को आप धोखा देते हो इस तरह की क्लीन चिट देकर। तो एक सेना जो वीर है और एक राजा जो कायर है, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? एक सनसनीखेज आरोप आपने लगाया कि विदेश मंत्री के पुत्र को चीन की एम्बेसी से पैसे मिले हैं। पुत्र को नहीं, जिस संस्था में वो पुत्र कार्यरत हैं, अच्छे ओहदे पर कार्यरत हैं, उस संस्था को चीन के दूतावास से 3-3 बार धन मिला है। मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं तो हम भी सवाल उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।